एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज दीप एंड वेलकम यू वंस अगेन। आज हम प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ शेयर करना मत भूलना। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, दैट बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है दैट क्या सेशन की पीडीएफ्स जो है मिल सकती हैं। देखिए, अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट ग्रेजुअली अगर मैं करती हूँ पीडीएफ्स को उसी तरीके से, तो डेफिनेटली मैं लेट यू नो। और टेलीग्राम जो चैनल है केप ऑफ गुडोप, उसमें आपको सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं सेशंस करवा रही हूँ, इन्हें आप देखते रहिए और स्टे ट्यून्ड। आगे जाकर के ना बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, सो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गेट बिगिन विद द टॉपिक। आज हम प्लेट बाउंड्रीज पढ़ेंगे। सो तीन तरीके के प्लेट मार्जिन्स होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज होते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट जो प्लेट बाउंड्री है वो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सेकेंडली एंड थर्डली ट्रांसफॉर्म। तो तीन कौन से कैटेगरीज है? फर्स्ट है कन्वर्जेंट, सेकेंड है डाइवर्जेंट और थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो क्या है समझ लेते हैं। कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रक्टिव जो है प्लेट कहलाते हैं। यानी कि समझ लीजिए, ये दो प्लेट्स हैं तो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इन्हें हम जो है कंस्ट्रक्टिव कहेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव कहेंगे या फिर एक दूसरे की तरफ जो आ रहे हैं इन्हें हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रहा है तो उसे हम डाइवर्जेंट कहेंगे। सो क्लियर हो गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक दूसरे से जो है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है यानी डाइवर्जेंट, तो ये है। एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो एक दूसरे से होकर गुजरता है, यानी कि एक दूसरे के मतलब ऐसे अगर है तो आप मान लीजिए कि ऐसे ऐसे मतलब वो एक दूसरे से मतलब होकर के गुजरेगा, मतलब टच करेगा लेकिन वो मतलब गुजर जाएगा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे प्लेट बाउंड्रीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में देखे जाते हैं। वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में जो है कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ट्रांसफॉर्म, ये तीनों तरीके के जो है प्लेट मार्जिन्स देखे जाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेशंस के लिए बने रहिए चैनल पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।